वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। तो अभी जा रहे हैं हम किचन में खाना बनाने। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे है तो आज बनेगा एग करी। तो एक बॉईल करने के लिए रख दिया, मतलब पालक वाली एग करी बनेगी, तो एक बॉईल करने के लिए रख दिया। और पालक जा रहे हैं थोड़ा सा ब्लांच करने, मतलब हल्का सा गर्म पानी में बॉईल करके और उसके बाद से उसका पेस्ट बनाने। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि हम आज कैसे बनाते हैं पालक वाली एग करी। तो पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें ये पालक डाल देंगे। पालक है और ये मेथी है, मेथी दिख रहा है, मेथी। इसको ढक देंगे थोड़ी देर, इसे मतलब 5 से 10 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। ऐसे ही ढक के, पानी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि चलेगा। तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं, टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, अलग अलग बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे। तो हम जा रहे हैं उसे बनाने। तो पालक हो गया है, गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे मिक्सर जार में निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा करके इसे पीसेंगे, मतलब ऐसे गरम गरम चलाने पे क्या होता है कभी कभी ना कि ढक्कन खुल जाता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है ना वाष्प की वजह से, वाष्प मतलब भाप की वजह से। तो ज़्यादा प्रेशर होता है तो ढक्कन ऊपर से निकल जाता है और गर्म चीज़ें अगर शरीर पर पड़ जाए तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ पीसो तो थोड़ा सा और रखना चाहिए, मतलब ठंडा होने के बाद ही पीसना चाहिए। और हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी डाल देने पे एक पीस आएगा नहीं जल्दी है और प्लस जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो जस्ट थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे हम एकदम महीन। और ये अंडा बॉयल हो गया है, देखिए इसको हम छील लेते हैं। अंडा पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था, मतलब सारा काम करने आने से पहले ही। इसे हम छील लेंगे, थोड़ा फट गया है तो फोड़ने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। अगर अंडा बॉयल हो तो बहुत इजी होता है बनाना एक करी, अगर बॉयल नहीं हुआ तो फिर बॉयल करना पड़ता है। और ये सारे अंडे छील लिए हमने, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची का पेस्ट और ये मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, धनिया, लाल मिर्ची, गरम मसाला। इसमें हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट मतलब थोड़ा सा ऐसे ही डालेंगे अंडा में नमक हल्दी पाउडर, क्योंकि इसे फ्राई करना है ना एक को, तो थोड़ा सा लपेट देने से सही रहता। नमकीन नमकीन सा लगने लगता है, आप चाहो तो उसे फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हो। तो इसे हम मिला ले रहे हैं अच्छे से प्रॉपर, तो ये मिल गया। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, अगर ज़्यादा तेल डाल के हम एग को फ्राई करेंगे तो एग में ना किसी टूथपिक या चम्मच के सहारे थोड़ा सा ना इसमें छेदा छेदा सा कर देंगे, इससे क्या होएगा ना कि फटेगा नहीं, नहीं तो भड़ाक भड़ाक करने लगता है अंडा जब ज़्यादा ऑयल में फ्राई होता है। तो हमने तो थोड़ा सा ऑयल डाला है तो इसमें कुछ असर नहीं होएगा, होगा मतलब। तो ये एग फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा एक साइड का ज़्यादा ब्राउन हो गया, बट कोई बात नहीं, करी में जाने से वो ब्राउन दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं कि ब्राउन है। और सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। ओ नो, ज़्यादा ही पड़ गया तेल, इतना डालने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, बट कोई बात नहीं, इसे निकाल भी तो नहीं सकते। इसमें डालेंगे जीरा, खड़ा जीरा, थोड़ा इसे जीरे को तड़कने देंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। आप चाहे तो पहले प्याज भी डाल सकते हैं या फिर कुछ भी डाल के, जैसे आप बनाते हैं भूनते हैं मसाले वैसे ही भूने, होता है ना दूसरे कैसे बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। दूसरे बनाते हैं वैसा देख के अगर हम बनाते हैं ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं,
और जैसे हम बनाते हैं, मतलब रेसिपी देखिए, रेसिपी हर किसी के लिए सेम ही होती है, बस अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो अपने तरीके से कोई भी चीज़ें बनानी चाहिए तो चीज़ें टेस्टी बनती है, मतलब कोई भी रेसिपी टेस्टी बनता है। और जब हम दूसरों को देख के बनाने लगते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। जैसे वीडियो में दिखता नहीं है ना कितने देर तक भुनना है, कितना पानी डालना है, कितने मसाले डालने हैं, सारी चीज़ें दिखती हैं, बट फिर भी हमें अंदाज़ नहीं मिल पाता। तो अपने हिसाब से बनाएं। तो ये इसमें जा रहे हैं सारे मसाले। इसमें हल्दी पाउडर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि पालक, मतलब कोई भी ग्रीन सब्जी होती है ना, जैसे उसमें हल्दी पाउडर डालने से क्या होता है ना, वो ग्रीन नहीं दिखता है, थोड़ा येल्लो टाइप का हो जाता है, तो इसलिए इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे हम। और मसाले को अच्छे से भूनेंगे, प्रॉपर चलाते हुए, चिपकना नहीं चाहिए। तो मसाला भून गया है, अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट और अंडा भी, दोनों साथ साथ भून जाएंगे अच्छे से। अंडा इसलिए अभी डाल दिया क्योंकि ये टूटने वाला तो है नहीं, और ना मतलब फीस होता है ना कि मसाले के साथ नहीं डाल सकते, टूट जाता है। अंडा है कि अंडा, चिकन कभी भी आप डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, मसाले के साथ वो भी भूनते हैं। तो ये अंडा भून रहा है मसाले के साथ, ऐसे ही यम्मी लग रहा है देखने से। आज मन किया था पालक वाला खाने का, ऐसा नहीं है कि डेली बनाते हैं, और पहली बार बना रहे हैं पालक वाला एग करी, इससे पहले ट्राई नहीं किया था उस। तो अब इसे हम ढक देंगे, ढक के थोड़ी देर पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और एग भी थोड़ा सा भून जाए। तो उसमें एग तो वैसे फ्राई किया हुआ था, कोई बात नहीं, बट मसाले ज़्यादा मतलब ज़रूरी है भूनना। मसाले जितने अच्छे भुनेंगे ना, ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनती है। डिपेंड करता है कि आपका मसाला कितना भून रहा है किसी भी रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए। तो इसमें अब डालेंगे हम ये पिसा हुआ पालक। कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, देखते हैं कैसा लगेगा खाने के बाद। बट सही ही लगेगा, क्योंकि जैसे पालक पनीर अच्छा लगता है वैसे ये भी अच्छा लगेगा। जिनको पनीर, पालक पनीर पसंद है, उनको ये भी पसंद आएगा, और जिनको पालक पनीर ही पसंद नहीं है, मतलब पालक ही पसंद नहीं है, उनको ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो तो सिर्फ इसमें का एग निकाल के खा लेंगे, ऐसे नहीं पसंद है, क्योंकि हर किसी को हर टाइप की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। खाते खाते आदत हो जाता है तो टेस्टी लगने लगता है, नहीं आदत होता है तो वही बेकार लगता है। तो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना था, अच्छा बना था कि नहीं बना था। और इसे हम बॉयल होने देंगे, मतलब एक उबाल आए उस तब तक पकाएंगे। तो पालक पनीर बन गया है, अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता काट के रखा हुआ, चाहे तो आप इसमें पीस के भी डाल सकते हैं उस वक्त, अगर आप लास्ट में धनिया पत्ता डालना पसंद नहीं करते हो तो, और नहीं तो ऐसे भी डालो बाद में भी, थोड़ा सा धनिया पत्ता दिखता है तो अच्छा भी लगता है। इसे ढक के जस्ट एक मिनट पकाएंगे। और तो एक करी बन गया है, अब बस जल्दी जल्दी रोटियां बना के उसके बाद से खाना खाना है, और टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को कि कैसा बना। देखने से तो बहुत यम्मी लग रहा है, बट टेस्ट करने के बाद पता चलेगा ना कि कैसा लग रहा है। जैसे ना अभी कुछ दिन पहले बाहर से हम लोग, मतलब रेस्टोरेंट से आया था एक करी, पालक वाली एक करी, तो टेस्टी लगा था और हेल्दी भी लगा था, तो सोचा कि नहीं घर पे ट्राई कर लिए इसको। तो वही घर पे बना रहे हैं, देखते हैं कैसा लग रहा। कुछ करना नहीं होता है, बस पालक पनीर की तरह इसमें पनीर की जगह एग डाल दो। पालक ना, मतलब पालक की कोई भी सब्जी बनाओ, अगर आप चाहते हो कि वो ग्रीन दिखे, मतलब खास करके ये जिसमें प्याज वगैरह मसाले वगैरह पड़ते हैं, और चाहते हो कि वो ग्रीन दिखे, तो आपको ना कुछ करना नहीं होगा, मतलब सॉरी कुछ करना तो पड़ेगा, मतलब उसमें हल्दी पाउडर नहीं डालना होगा। तो हम रोटियां बनाते हैं, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, बनाने के बाद टेस्ट करते वक्त, मतलब खाना खाते वक्त, क्योंकि अभी लगेगा हमको टाइम ज़्यादा रोटियाँ बनानी है अभी, और तावा थोड़ा डिस्को है, इस पे तेज आंच करो तो जलने लगता है, कम आंच करो तो झुड़ाने लगता है। तो हम टेस्ट करके बताते हैं आप लोग को कैसा है, कैसा बना है। एक तो बहुत ही यम्मी लगा, बहुत टेस्टी बना।
अच्छा लगे। आइए हमारा खाना हो गया। खाना अच्छा था, मतलब पालक एक करी अच्छा था, सही लग रहा था। तो हम खा के आ गए और खाने खा के आने के बाद हम बालकनी में जब गए तो कुछ देखा, मतलब बहुत ही खुशी हुई देख के। आज अपराजिता का एक फूल आया है, मतलब लगाए हुए ना जब से हम ब्लॉग स्टार्ट किया ना तब से, तभी उसको लगाया था और आज फूल भी आ गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिला देख के कि चलो कुछ तो हुआ ना। और होता है ना कि बिना मतलब बिना पैसे आप कोई चीज़ करते हो खुद से और हो जाए तो और अच्छा लगता है। तो मैंने उसे बीज से उगाया था और आज फूल आ गया तो बहुत ही खुशी हुई देख के। मतलब अचानक से गए देखा कि अरे ये कहाँ से हो गया, तो लगा अरे ये तो इसमें से फूल निकला है ब्लू कलर का, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को बता नहीं सकते, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं और भी बहुत सारे फूल उसमें से निकलेंगे तो हम दिखा रहे हैं आप लोग। दिख रहा है वहाँ पे ब्लू कलर का, ओके दिखाते हैं जाके अच्छे से। ये देखिए और भी बहुत सारा खिलने वाला है यहाँ से यहाँ से। और ये उस दिन जो लगाया था वो यहाँ पे है। लोगों ने कितना अच्छा खिला हुआ है, मतलब हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं देख के ये कि फूल आ गया। और कल है सैटरडे और आज फ्राइडे है तो आज आया हुआ है फूल, मतलब बोल नहीं सकते बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और सोचा नहीं था कि इतना जल्दी फूल खिलेगा उसमें, बट खिल गया है और अच्छा भी लग रहा है। अब उसको ना उस पर रेलिंग पे चढ़ जाएगा तो बहुत सारे फूल खिलेंगे तो और अच्छा लगेगा बालकनी, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जा रहे हैं अब अपना काम करने। थोड़ा सा साग है, मेथी जो मेथी था और साग, मेथी वाला साग नहीं है तो उसे उसका डंठल तोड़ना है। धनिया पत्ता वगैरह है तो उसका डंठल तोड़ के धोना वगैरह है, सब्जियां धो के फिर से रख देना है। तो चलिए आप लोग भी, आप सोच नहीं सकते ना हमको कितना अच्छा लगा देख के। आपको अच्छा लगा? हाँ तो आपको ज्यादा लगा ना? क्यों आपको क्यों नहीं लगा? आप ख्याल नहीं रखते हो इसलिए, आप ख्याल नहीं रखते हो इसलिए। सही है, कितना खूबसूरत फूल निकला। नहीं क्या कर रहा है पाज? सब्जी खाएगा? क्यों क्यों सब्जी खाए? इधर आ तो उठी खाओ उठी खिचड़ी खाएगा। तेरे को खिचड़ी कितना पसंद है पाज? ये पार्थ को खिचड़ी कितना पसंद है? म्यूट कर दीजिए। अच्छा टीवी बंद नहीं हो रहा। छोड़ पार्थ देर पर से छोड़, कपड़ा दाब रहा है तू। टीवी का आशिक है पाँच। मतलब क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहा है पार्थ, कहाँ गया बाबू? जल्दी आओ जल्दी आओ। ओके दो। पार्थ का सामान इसी में आता है, गाड़ी से आता है ना, डिलीवरी करता है पार्थ ने। ये मम्मा को गाड़ी डिलीवरी किया है, तोड़ दिया है पूरा गाड़ी। इसको तो मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा पार्थ, डोर वगैरह सब तोड़ दिए हो। सर्विसिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा। देखे हाँ, ये गाड़ी थोड़ा ठीक है, इसे सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं है ना पार्थ। आले बाबा, तो कितना धब धब गिरता है। बाय बाय। तो आज फिर से आसमान में बादल घेर लिया है, लग रहा है बारिश होएगी। घर में पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, तो सूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंधेरा होने के बाद ना अच्छा आता नहीं है, क्लियर आता नहीं है। लाइट पे लगता है कि रात रात सा हो गया है। तो बनाने वाले थे अभी कुछ अरहर दाल का पकौड़ा टाइप का, तो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा सूट, तो इसलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और अगर सूट हो गया तो मैं उसे कल के ब्लॉग में डाल दूँगी। वैसे बहुत यम्मी सा बनता है, क्रंची सा बनता है उसकी रेसिपी। और क्या हुआ था ना, छोड़िए, कल के ब्लॉग में ही बता देंगे कि कैसा बनता है और कैसा लगता और किस तरह से बनता है। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, दिखता है तो ज़्यादा सही रहता। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, सुनने की इसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। उसे तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि ना, लाइक करो आप या डिसलाइक करो, वो तो आपकी पसंद है, जिससे पता चलता है हमें कि आप हमें कितना पसंद करते हो कितना नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो जैसे होता है ना कि हमको कोई चीज़ें अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, तो हम कमेंट करके बताएं, इससे अच्छा लाइक डिसलाइक कर देते हैं। कमेंट भी करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं ज़रूरी होता है। तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब भी हम वीडियो डालें, और वो घंटी वाला होता है ना बेल आइकन, उसको भी दबा लें। उससे क्या होएगा ना कि जब भी वीडियो डालेंगे ना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आज तक बोला नहीं था क्योंकि ध्यान नहीं आता था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।